कोलकाता लेडी डॉक्टर का रेप मर्डर केस, कोलकाता पुलिस ने दो केस दर्ज किए हैं। गलत सूचना फैलाने के मामले में केस हुआ है। कोलकाता पुलिस ने दो डॉक्टर्स को समन किया है। लॉकेट चैटर्जी पर पहचान उजागर करने का भी केस दर्ज किया गया है। तो रेप मर्डर केस में गलत सूचना फैलाने को लेकर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है, साथ ही साथ डॉक्टर्स के नाम को लेकर भी एक केस दर्ज हुआ है। लॉकेट चैटर्जी पर पहचान उजागर करने का भी केस अब कोलकाता पुलिस की ओर से किया गया है। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय का भी बड़ा बयान सामने आया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर पूछताछ की जाए, सुखेंदु ने कहा है। पूर्व प्रिंसिपल और कमिश्नर से पूछताछ की बात की गई है और सुइसाइड स्टोरी फैलाने वालों की जांच होनी चाहिए, यह भी सुखेंदु शेखर राय की ओर से कहा गया है। तीन दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया, यह भी सवाल उठाया गया है। और टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय की ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं। उनका यह कहना है कि कमिश्नर से भी पूछताछ होनी चाहिए इस मामले में, और जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, और सुइसाइड स्टोरी को फैलाने के पीछे क्या मंशा थी इसकी जांच की जाए, और तीन दिन बाद स्निफर डॉग लाने का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, यह भी सवाल उठाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, कोलकाता से ओंकार हैं और दिल्ली से अनामिका है। ओंकार, कुछ अहम चीजें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें एक तो है कि कोलकाता पुलिस ने ही कई सारे केसेस दर्ज कर लिए हैं। दूसरी बात आती है कि सुखेंदु शेखर राय भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर से पूछताछ होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो सीएफएसएल की टीम पहुंची है दिल्ली से, वो अब मानसिक जांच करेगी आरोपी का। अमित, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कोलकाता पुलिस ने दो शिकायतें दर्ज करवाई है, जिसमें से लॉकेट चैटर्जी को भी बुलाया गया है। तो ये जांच पड़ताल अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा आज जैसे कि दिल्ली से एक टीम पहुंच चुकी है, जो कि जो आरोपी है संजय राय का जो मानसिक हालत इस वक्त क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। उनका साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो टेस्ट की जाएगी। तो आज सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है कि सबसे पहले और एक बात कहना चाहूंगा अमित, कि अभी इस वक्त हम लोग है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, जहां पर देखा गया है कि इसका विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एप्रॉन लगा हुआ है और इस एप्रॉन में खून का धब्बे लगाकर ऐसे ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और सब कोई जो छात्र है वो छात्र प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। तो अमित, कहीं ना कहीं ये जो अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बार बार बात हो रही थी, क्योंकि संजय राय के बारे में जो खुलासा हुआ है अभी तक, उसमें से देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं उसके मोबाइल फोन में जैसे कि देखा गया है काफी सारे वीडियोस है, जो कि पॉर्न वीडियो, करीबन 400 से ज्यादा पॉर्न वीडियो उसके पास है। तो ये सब क्या उनका मानसिक हालत थी, यही जानने की कोशिश अभी जी। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि जो वहां पर डॉक्टर मौजूद है जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ नोटिसेस आ रहे हैं? देखिए अमित, जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है, कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अमित, जो जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि संजय राय उनका मानसिक हालत एग्जैक्टली क्या है, ये जानने की कोशिश सीबीआई करेगी। आज जैसे कि स्पेशल जो टीम है वो टीम आज दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है, और इसके बाद वो टीम सीधा पहुंचेगी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संजय राय के मानसिक हालत कैसा है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बातचीत हो रहा था अमित की सुखेंदु शेखर राय जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने भी सवाल उठाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने धरने दिए थे अपने घर के सामने, और ये कहते हुए धरने दिए थे कि कोलकाता पुलिस जो भी जांच पड़ताल कर रही है, क्या वो जांच पड़ताल सही दिशा में जा रहे हैं? क्यों तीन दिन बाद स्निफर डॉग को लाकर जो सेमिनार रूम है, जो सेमिनार हॉल है, उसमें जांच पड़ताल की गई? ऐसे ही काफी सारे सवाल उन्होंने उठाए थे। इसके बाद देखा गया है कि कल उन्होंने ट्वीट किया है, कल देर रात में उन्होंने ट्वीट किया है कि जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे।